हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लर्नोवर्सिटी। तो लर्नोवर्सिटी में जो आज का करंट अफेयर है वो 16 एंड 17 अप्रैल का कंबाइंड है, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिलता है वो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट होता है? वो इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, जहां पे भी करंट अफेयर पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जीडी एंड पीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जो कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा जो एलिवेशन होता है स्टूडेंट्स का वो होता है ग्रुप डिस्कशन में। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको जो टॉपिक्स होते हैं वो करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं, तो सबसे ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है उन स्टूडेंट्स को जो कि कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, जहां पे जनरल डिस्कशंस होते हैं। तो बने रहिएगा लर्नोवर्सिटी के साथ। देख लेते हैं जो आपको करंट अफेयर मिलता है वो क्या क्या मिलता है। वो डेली करंट अफेयर मिलता है, वीकली करंट अफेयर मिलता है, मंथली करंट अफेयर मिलता है और ईयरली करंट अफेयर मिलेगा आपको, ठीक है। आज का जो करंट अफेयर है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसमें क्या क्या आपको आज हम डिस्कशन करेंगे, उसमें डिस्कशन हम कर रहे हैं डे ऑफ इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक फेस्टिवल लॉन्च किया है, वो क्या फेस्टिवल है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि रसिया के ऊपर यूएसए ने कुछ सैंक्शंस को इम्पोज किया है, उन सैंक्शंस से क्या इफेक्ट आने वाला है जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि श्रीलंका जो है, जो अपोजिट पार्टियां अपोजिशन पार्टियां हैं श्रीलंका की, चाइना ने जो पोर्ट वहां पे डेवलप कर रहा है उस पोर्ट का क्यों अपोज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इससे, तो उससे इंडिया को क्या इफेक्ट होने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया के इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन का एक रेट आया है जो कि बहुत ही खतरनाक स्तर पे है, उसके बारे में हम बात करेंगे क्यों इन्फ्लेशन आ रहा है, ये इन्फ्लेशन है क्या, WPI होता क्या है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट ने एक कंपनी को एक्वायर किया है, क्यों एक्वायर किया है, कैसे एक्वायर किया है, फ्लिपकार्ट क्या है ओरिजिनली। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इस टाइम रायसीना हिल्स जो टॉक चल रही है उसमें जो सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ कहा है कि इंडिया को जो अपने एशियान के साथ या कुछ पैक्ट्स हैं उनको रिव्यू करना चाहिए जिससे कि पूरे साउथ एशिया में इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो सके, उसके बारे में हम बात करेंगे क्या है ये पैक्ट, क्यों इंडिया ने अपोज किया इसको, और अगर इंडिया उसमें जाता है तो सबको क्या क्या फायदे मिलेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिए लर्नोवर्सिटी के साथ। तो चलते हैं, सबसे पहले आज का डे ऑफ इम्पोर्टेंस है उसमें क्या है कि 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया जो डे है ये क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है किसकी, फ्रेंड शेनेबल की, जो कि फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया थे, जो कि हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है वो 1989 से इसका स्टार्टिंग हुई मनाने की, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया एक बहुत ही सीवियर डिजीज है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपके जो ब्लड क्लॉटिंग्स हैं या ब्लड क्लॉट्स हैं वो नहीं बनते हैं। जब वो ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते हैं तो आपकी थोड़ी सी अगर आपको इंजरी हुई तो इसमें आपकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है, जिससे कि आपको बहुत ही खतरनाक परिणाम मिलेंगे। तो हीमोफीलिया आता कहाँ से है, कैसे है, ये प्रॉब्लम क्या है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है जो कि मदर फादर से न्यूबॉर्न बेबी में आती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा मेडिकल साइंस है या जो मेडिकल के जानकार हैं वो कहते हैं कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने मेडिकल चेकअप्स कराएं। बहुत सारे कारण होते हैं जो नई नई डिजीजेस चल रही हैं उनको रोकने के लिए, और उसके बाद जो आप अगर जो मैरिज से पहले अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे तो उससे हीमोफीलिया आने की न्यूबॉर्न बेबी में खतरा खत्म हो जाएगा। अब कैसे आता है, क्या आता है, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन जो हीमोफीलिया है, 5000 जो मेल बर्थ होते हैं, यानी कि जो मेल बेबी का बर्थ होता है 5000 बेबीज का, उसमें एक बच्चे को हीमोफीलिया देखने को मिल रहा है इस टाइम। तो हीमोफीलिया आता कहां से है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो दिया है, एग्जाम्पल में क्या है कि अगर सपोज किसी बेबी का फादर हीमोफीलिया नहीं है उसमें और मदर में हीमोफीलिया है। फादर में होता क्या है कि दो क्रोमोसोम होते हैं एक्स एंड वाई, और मदर में क्या होता है दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। कि सपोज मदर का एक्स क्रोमोसोम है जिसमें हीमोफीलिया है, तब हम देखते हैं कि अगर बेबी का बर्थ हो रहा है तो ये हो सकता है कि फादर से वो जो मेल बेबी होगा फादर से वाई क्रोमोसोम लेगा और मदर से एक्स क्रोमोसोम लेगा,
ठीक है, सपोज जो मदर का एक्स क्रोमोजोम जो जिसमें हीमोफिलिया नहीं था वो वाला क्रोमोजोम बेबी को मिला, तो बेबी हीमोफिलिया नहीं होगा बेबी में। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि फादर का वाई क्रोमोजोम आएगा और मदर का हीमोफिलिया वाला एक्स क्रोमोजोम आ गया, तो बेबी 100% हीमोफिलिया से ग्रसित होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि जो 50% चांसेस बने कि जो मेल बेबी है उसमें हीमोफीलिया होगा, और अगर मेल में हीमोफीलिया होगा तो सीवियर हीमोफीलिया होगा। वहीं पे अगर हम गर्ल बेबी की हम बात कर लेते हैं तो फादर से भी एक एक्स क्रोमोसोम आएगा जिसमें हीमोफीलिया नहीं था, और चांसेस 50% ऐसे होंगे कि जो मदर का एक्स क्रोमोसोम आया उसमें हीमोफीलिया नहीं था, तो बेबी में 0% हीमोफीलिया होगा। लेकिन एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि फादर से जो हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम आया उसमें हीमोफीलिया नहीं था, और मदर से वो जो एक्स क्रोमोसोम आया उसमें हीमोफीलिया था, तो बेबी में जो हीमोफीलिया हो सकता है लेकिन उसकी जो सीवियरिटी होगी वो 50% होगी। ठीक है, और जो यहाँ पे भी जो चांसेस बनते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें 50% चांसेस बनते हैं कि वो हीमोफीलिया हो, लेकिन हीमोफीलिया की जो सीवियरिटी होगी वो मेल बेबी में ज्यादा होगी रादर देन गर्ल बेबी में। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप सब अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो आपके जो मेडिकल चेकअप्स हैं वो होने चाहिए, जिससे कि आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो सही सलामत रह सके। तो हीमोफीलिया का बचाव क्या है? हीमोफीलिया का बचाव सिर्फ यही है कि आप जेनेटिक बीमारी है आप अपने चेकअप्स कराएं, अगर आप में हीमोफीलिया है तो आप उन चीजों को अवॉइड करें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर फादर या मदर में हीमोफीलिया है तो बेबी में हीमोफीलिया होगा ही, लेकिन उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा गया 50% चांसेस होते हैं कि बेबी में हीमोफीलिया होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है, वो फेस्टिवल क्या है, वो फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट कर रही है, वो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रही है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे जो उनकी थॉट्स है उनको उनके बारे में बताने के लिए कि लोगों को उनकी उनके जो थॉट्स से उसकी जागरूकता मिले और लोग उनकी बातों को अपनाएं अपने डेली लाइफ में, क्या वो थॉट्स हैं कैसे हैं थॉट्स। जो फेस्टिवल है उसका नाम रखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर डिजिटल कला फेस्टिवल। ठीक है, जो इस फेस्टिवल का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर कला फेस्टिवल, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, रीजनल लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी में पूछा जा सकता है कि हाँ जो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक फेस्टिवल लॉन्च किया है बाबा साहब अम्बेडकर के एनिवर्सरी पे वो कौन सा एग्जाम है, तो बाबा साहब अम्बेडकर डिजिटल कला फेस्टिवल। तो जो जो ये वाली बर्थ एनिवर्सरी बाबा साहब अम्बेडकर की थी वो कौन सी थी, 130th एनिवर्सरी थी, जो कि 14th अप्रैल को मनाई जाती है। जो इस फेस्टिवल का थीम रखा गया है वो क्या रखा गया है, वी आर ऑल इक्वल अंडर द ब्लू स्काई। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ब्लू स्काई के नीचे यानी कि आसमान के नीचे जो भी है उनको सब सब समान होना चाहिए, जो भी नेचर के जो भी फैसिलिटीज है उनको समान रूप से मिलनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, कोई जाति पात नहीं होना चाहिए, कोई धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई कलर के हिसाब से भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि सबको समान फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो जो ये जो फेस्टिवल है वो कौन सेलिब्रेट करा रहा है, वो कर रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के जो मिनिस्टर है वो कौन है, मनीष सिसोदिया जी हैं। ठीक है, मनीष सिसोदिया जी हैं, और ये दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, तो जो फेस्टिवल है वो क्या ना है, बाबा साहब अम्बेडकर डिजिटल कला फेस्टिवल, और जिसका थीम रखा गया है वी आर ऑल इक्वल अंडर द ब्लू स्काई, और मना कौन रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जिसके की मिनिस्टर कौन है, मनीष सिसोदिया जी है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वर्ल्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या है कि यूएस ने कुछ सैंक्शन इम्पोज कर दिए हैं रशिया पर। वो सैंक्शन क्यों इम्पोज किए हैं, उनका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो यूएसए है उसने रशिया के 10 डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए 32 इंडिविजुअल्स पे। ठीक है, किस पे लगाई है, जो अभी उनके यहाँ इलेक्शन हुए थे जिसमें कि आपके ट्रंप साहब थे हार गए थे, तो उन्होंने इलेक्शन में धांधली के आरोप लगाते हुए सैंक्शन लगाए हैं, और कहा गया है कि जो रशिया है उसने उन इलेक्शन में साइबर अटैक्स किए और लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन पास करी। ठीक है, जिसका कि जो यूएस है जो क्रेमलिन है उनका उसने अपोज किया है और कहा है कि जो अभी हम यूक्रेन के साथ यूक्रेन के लिए हम बात करने वाले थे सबमिट जो बैठाने वाले थे वो सबमिट होने में प्रॉब्लम आएगी और ये यूएसए ने गलत किया है। ठीक है, तो जो यूएसए का जो कहना है उसने वो कह रहा है कि रसिया ने
जो 2016-2020 के जो इलेक्शंस थे यूएसए के, उसमें डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में बातें कही जिससे कि अपोजिशन को नुकसान हुआ, तो और वहां पे साइबर अटैक का इस्तेमाल किया, ठीक है, गलत गलत बातें फैलाई, तो इन बातों के ऊपर उसने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो सैंक्शन है वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी टुगेदर विद यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा के साथ मिलकर सैंक्शन जो लगाए हैं, और कहा है कि जो क्रीमिया है यूक्रेन का, वहां पे जो इनकी जो रशिया की जो फोर्सेस हैं वो इकट्ठा हो रही हैं, उसके उसमें नहीं होना चाहिए, तो इसलिए और सैंक्शन लगाए गए हैं। तो सैंक्शन जो लगाए गए हैं वो किस लिए लगाए गए हैं, तो सबसे पहला सैंक्शन है कि जो जो बिडेन साहब है वो कह रहे हैं कि रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में मिस इन्फॉर्मेशन दी हमारी जनता को, डर्टी ट्रिक्स अपनाई उन्हें उन्हें जितवाने के लिए। और दूसरा, जो रशिया है यूक्रेन में अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा है क्रीमिया के ऊपर, तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए उन्होंने ये सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिसका रशिया अपोज कर रहा है। अब ऐसी तो बात है नहीं कि रशिया कोई छोटा मोटा कंट्री है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वर्ल्ड वार की तरफ पूरा वर्ल्ड बढ़ रहा है, कि अगर ऐसा हुआ तो रशिया पहले ही यूक्रेन की जो बॉर्डर है उस पर अपनी सेनाएं बढ़ा चुका है, उसके ऊपर यूएसए ने और आग में घी डाल दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंकन की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो जो चाइना वहां पे पोर्ट डेवलप कर रहा है उसका अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपोज क्या है कि चाइना कह रहा है कि जो हमारी संप्रभुता है उस पे जो जो चाइना पोर्ट डेवलप कर रहा है उसको हानि पहुंचेगी। अब जो चाइना पोर्ट है वो आया कब वहां पे, कि जो जो वहां के चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उन्होंने 2014 में, सितंबर 2014 में जो ऑस्ट्रेलिया में के साथ ट्रीटी करी और कहा कि हम यहाँ पे पोर्ट डेवलप करेंगे, और वो हमन, एक जो सबसे बड़ा पोर्ट था वहां पे हमन टोटा पोर्ट, ठीक है, उसको लीज पे ले लिया 99 इयर्स के लिए, ठीक है। अब वहां पे कहा जा रहा है कि अगर ये पोर्ट लीज पे लिया है तो वर्ल्ड जो है इसके ऊपर क्यों अपनी निगाहें अटकाए हुए है, क्योंकि जो ये जो वाला पाथ है, ये सी का जो ट्रेडिंग का पाथ है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पाथ है, सबसे बिजिएस्ट रूट है, कि यहां से पूरा वर्ल्ड यहां से अगर जुड़ता है तो ये इस पाथ से होके जुड़ता है। अगर यहाँ पे चाइना का जो ऑक्युपेंसी हो गई, अगर चाइना ने इसको कब्जा कर लिया है, तो इंडिया को भी इस रूट से निकलना है, बाकी वर्ल्ड को भी इस रूट से निकलना है, तो वहां पे चाइना अपनी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। और दूसरी बात ये हो जाएगी, चाइना सीधे सीधे इंडिया के पास आके बैठ गया है, ठीक है। अगर इंडिया और चाइना के आप देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट रहते ही हैं, तो चाइना करेगा क्या कि इस रीजन में तो उसकी लैंड जुड़ी हुई है, उसके बाद इधर बांग्लादेश और ये सारे कंट्रीज थे जहां पे उसका, और चाइना सी है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं, तो वहां पे इसको आने की आने का ज्यादा रास्ता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ये आ गया तो इंडिया के सबसे पास आ गया, एक दूसरी तरफ से भी, यानी कि इंडिया को इसने दोनों तरफ से घेर लिया, ठीक है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिक्कतें हैं। और श्रीलंका के जो अपोजिशन पार्टीज है वो कह रही है कि हमारी जो बौद्धिज्म है या हमारे जो संप्रभुता है उस पर बहुत सारा असर पड़ेगा, कि और वो पार्टीज कह रहे हैं कि चाइना क्या करेगा, चाइना वहां पे पूरा पोर्ट, या कह रहा है चाइना जो वहां सिटी डेवलप कर रहा है वहां पूरे चाइनीज सिटीजन होंगे, चाइना अपने हिसाब से काम करेगा, तो हमारी जो जनता है, हमारे जो कल्चर है उसको नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद है कि WPI इन्फ्लेशन, तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, ठीक है, इसने क्या क्या कहा है कि जो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने वाला है, ठीक है, वो किससे बढ़ेगा, वो कब कितना होने वाला है, 7.4% का, ठीक है। जो ICRI है, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो है उसने एक्सपेक्ट किया है कि जो हमारा अप्रैल और मई में जो इन्फ्लेशन रहने वाला है, जो 7.4 से भी बढ़ के कहां पहुंच सकता है, 11 से 11.5% तक, या 8 से 8.5% तक ये पहुंच सकता है। अब ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है, प्रॉब्लम जो कही जा रही है वो आ रही है कि हमारा एक साल जो पहले था उसमें क्या हुआ कि कई सारे लॉकडाउन लगे रहे, वहां पे जो सप्लाई चेन था वो बिगड़ गई। जो उस सप्लाई चेन बिगड़ने से क्या हुआ, जो होलसेल जो मार्केट था उसके जो प्राइस इंडेक्स थे वो बढ़ गए, ठीक है। यानी कि प्रॉब्लम आई कि हमारी जो सप्लाई चेन बिगड़ गई, कंपनीज का प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, होलसेल जो प्राइस थे वो बढ़ने लगे, घटने लगे, उनसे क्या प्रॉब्लम आई कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो मार्च के महीने में 7.4% रिकॉर्ड किया गया, जो कि अप्रैल में जो बढ़ के 11 से 11.5 हो सकता है, और जो मई में जो देखा जाएगा वो 8 से 8.5% होने की संभावना है, अगर नए लॉकडाउन्स इम्पोज ना हुए, ठीक है। उसके बाद बात क्या की गई है कि फ्लिपकार्ट ने एक
क्लियर टिप जो एक वेबसाइट है उसको एक्वायर किया है, ठीक है। जो फ्लिपकार्ट है वो पहले से ही वॉलमार्ट जो उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो फ्लिपकार्ट है वो वॉलमार्ट सपोर्टेड है, वॉलमार्ट यूएसए की एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है, ठीक है। जो क्लियर ट्रिप है वो क्या है कि ऑनलाइन ट्रेवल टेक्नोलॉजी फर्म है, यानी कि जो आप अगर ऑनलाइन ट्रेवलिंग की बात करते हैं तो आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, आप अपने टूर पैकेजेस बुक करा सकते हैं, तो इसको फ्लिपकार्ट एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट इसके जो 100% शेयर है वो अपने पास खरीदने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारी रायसीना हिल्स पे जो टॉक चल रही है उसमें जो सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर हैं विवियन बालाकृष्णन, उन्होंने कहा है कि इंडिया को जो है जो अपने RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से जो इंडिया ने 2019 में जो बैक कर लिया था उसको दोबारा से सोचना चाहिए। उस पर क्या है कि उससे हमारे जो रीजन है उसमें इकोनॉमिक जो है उसमें तेजी आएगी। तो ये बातें सारी चल रही हैं कि इंडिया को अपने जो RCEP से जो उसने अपना बैक लिया है उसको दोबारा से सोचना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि आई होप इंडिया विल रीअसेस रीजनल ट्रेड पैक लाइक RCEP एंड CPTPP। RCEP क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। CPTPP क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। अब इन पे सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर है विवियन बालाकृष्णन जी वो कह रहे हैं कि इंडिया को दोबारा सोचना चाहिए। इनने जो RCEP है जो इंडिया ने 2019 में इसे बैकआउट कर लिया, उसके बाद उन्होंने नवंबर 2020 में जो आइडिया दिया इंडिया के बिना फिर से आइए, तो जो RCEP है कहा जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग एग्रीमेंट है जिसमें कि कौन कौन है, 10 एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ साथ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इसमें जो सिग्नेटरी हैं इसके RCEP के। और CPTPP क्या है कि ये सक्सेसर ऑफ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनर्स है TPP जो बोला जाता है वो क्या है जो इसमें कि US ने विड्रॉ कर लिया है। अब इसमें अब जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, वो है सिंगापुर है, ब्रुनोई है, मलेशिया है, वियतनाम है, ठीक है। ये तो एशियन के कंट्रीज हो गए, इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, मेक्सिको, चिली एंड पेरू, ये सारे कंट्रीज हैं वो TPP में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यानी कि TPP जो है ये है क्या, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम एंड यूनाइटेड स्टेट है, जो कब से स्टार्ट हुई है, 4 फरवरी 2016 से स्टार्ट हुई है। तो ये बातें चल रही है कि इंडिया को दोबारा से RCEP में आने के लिए अपना विचार करना चाहिए, जिससे कि जो साउथर्न एशिया का जो रीजन है उसमें जो इकोनॉमिक जो है उसमें सुधार आ सके। ये जो इंडिया ने जो अपना अपने आप को बाहर क्यों किया RCEP से, इंडिया ने अपने आप को बाहर किया, उसने कहा कि जैसे चाइनीज गुड्स हैं, ठीक है, यानी कि प्राइस इंडेक्स को लेके उसने कंसर्न अपने जताए और कहा कि जैसे चाइना है, चाइना में अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर मोबाइल की हम बात कर लेते हैं, तो अगर चाइनीज मोबाइल वो अपना 4000 रुपीज में बनाता है और वो इंडिया में कितने में लॉन्च कर देता है, 3000 रुपीज में, ठीक। अब इंडियन जो प्रोडक्ट है, जो इंडियन प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो हमने एक बात मान ली कि जितने प्राइस में चाइना में बना था उतने ही प्राइस में इंडिया में बना है, लेकिन वही चीज उसने चाइना ने क्या किया कि 3000 रुपीज में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया उसने। तो क्या हुआ कि अब ये तो कंज्यूमर की बात है कि अगर वही चीज सेम चीज 3000 रुपीज में मिल रही है तो लोग क्या करेंगे, 3000 रुपीज में ही लेंगे, ठीक। तो उससे क्या होता है कि इंडियन जो कंपनीज है उनको नुकसान हो रहा है। ये चाइना की जो बैड पॉलिटिक्स है उसका जो उदाहरण है, इसके लिए इंडिया ने अपने कंसर्न जताए कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये ट्रीटी RCEP ट्रीटी क्या कहती थी कि जो मेंबर कंट्री हैं वो अपने अपने किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री में अपने प्राइस पे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने प्राइस की जब बात आई तो चाइना ने क्या किया, वहां पे एक बैड पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दिया कि चीजों का डीवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि इंडियन कंपनीज को नुकसान होने लगा और वो बंद होने की कगार पे आ गई। जैसे आपने देखा होगा माइक्रोमैक्स इंडियन जो मोबाइल था उसके बहुत सारी प्रॉब्लम आई जब चाइनीज मोबाइल बहुत सारे आ गए, क्योंकि जो इंडियन कॉस्ट थी वो ज्यादा थी और चाइनीज कॉस्ट ने क्या किया कि उसको कम करके लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए इंडिया ने अपने आप को उससे हटा लिया कि हाँ हम भाई ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमारे मार्केट में आना है तो हमारे हिसाब से आपको चीजें बेचनी पड़ेंगी। तो एशियन, अब हम बात करते हैं कि ये सारा जो पैक्ट्स हैं एशियन कंट्रीज,
ट्रांस पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज हैं इनके सबके बीच में बातें चल रही हैं, तो एसियान क्या है? ठीक है, एसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन की जो कि बात करती है इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक है, जिसमें कि 10 मेंबर कंट्री हैं इस टाइम। ठीक है, इससे इंडिया ने अपने आप को भी इंडिया ने अपने आप को निकाल लिया। ये बात क्या करते थे कि ये जो एशियन कंट्रीज हैं आपस में एक दूसरे के यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, ओपन ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिया ने क्या कंसर्न दिखाया कि जो चाइना था वो चीजों की डिवेल्यूशन करके विदेशी जो मार्केट था उसमें उतार रहा था, उससे इंडियन कंपनी को नुकसान हो रहा था, उस कंसर्न से इंडिया ने अपने आप को बाहर कर लिया। तो एशियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटीज को, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है आपका, जो एशियन का हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और ये जो फाउंड हुआ था, जो एशियन वो कब फाउंड हुआ था, 8 अगस्त 1967 में फाउंड हुआ था 5 मेंबर कंट्री के साथ। कौन कौन मेंबर कंट्री थे? इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था, थाईलैंड था। इस टाइम कितने मेंबर कंट्री हैं? 10 मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन 10 मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, क्योंकि इन सारे कंट्रीज के बारे में लोग कम अवेयर रहते हैं, इसलिए मैं उनका पूरा डिटेल लेके यहाँ पे आया हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर कोई कंट्री है, ये कंट्री कहाँ पे है, इनके बारे में बात करी जाए, तो आप उसको बारे में ध्यान रखें। आपको थोड़ा, अगर आप बार बार इन चीजों को देखेंगे तो दिमाग में वो फीड हो जाती है और एग्जाम में उनको लिखने में आपको आसानी रहती है। यानी कि होता क्या है, एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप जो चीज पढ़े रहते हो आपको भले ही वो सोचने पे याद ना आए, लेकिन वो तब याद आ जाती है जब आप उसके बारे में सामने लिखा हुआ देखते हो। तो अगर आपने उसको एक दो बार देखा है आंखों से तो अपने आप आपको रिकैप हो जाती है। तो जो एशियन के जो 10 मेंबर कंट्री हैं उसमें मेंबर कंट्री आपका ब्रुनोई। ठीक है, तो ब्रुनोई की जो कैपिटल है बंडार सेरी बेगवान है। ठीक है, जो करेंसी है ब्रुनोई डॉलर है वहां की, और जो लैंग्वेज वहां पे जो मेनली बोली जाती है वो मलय बोली जाती है, उसके साथ साथ इंग्लिश बोली जाती है। उसके बाद जो दूसरा कंट्री है, मेंबर कंट्री है, वो है कंबोडिया। कंबोडिया में फेनोम पेन जो है उसकी कैपिटल है, और जो करेंसी है कंबोडियन रियल है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी लैंग्वेज है खेमर लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है इंडोनेशियन रुपया है। ठीक है, और जो यहाँ की जो लैंग्वेज है भाषा इंडोनेशिया है, यानी कि भाषा इंडोनेशिया है। उसके बाद लाओस एक कंट्री है, लाओस की जो कैपिटल है वो वियतनाम है, और जो करेंसी है इनकी लाओ किप, और जो लैंग्वेज है इनकी लाओस। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे मलेशिया। मलेशिया की जो कैपिटल है वो क्वालालंपुर है, और जो करेंसी है मलेशियन रिंगिट। ठीक है, मलेशियन रिंगिट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज जो बोली जाती है मेनली मलय बोली जाती है, इसके बाद इंग्लिश बोली जाती है, चाइनीज एंड तमिल। यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो मलय है, उसके साथ साथ इंग्लिश, चाइनीज एंड तमिल। उसके बाद क्या है कि म्यांमार। म्यांमार क्या है कि नाई पाई टाउ इसकी जो कैपिटल है। उसके बाद करेंसी क्या है इसकी, बर्मीज क्या है। ठीक है, और जो लैंग्वेज है म्यांमार लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो मनीला है, मनीला है। जो करेंसी है इसकी फिलिपिनी पैसो है। ठीक है, और जो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है इसको बोला जाता है फिलिपिनो, और इसके साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट कंट्री है सिंगापुर है। सिंगापुर की जो कैपिटल है उसका नाम भी सिंगापुर है, और जो करेंसी यहाँ पे सिंगापुर डॉलर है, और जो यहाँ की लैंग्वेज है वो मलय है, उसके साथ साथ इंग्लिश, मंडारिन और तमिल। नेक्स्ट जो कंट्री है वो थाईलैंड है। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है, बैंकॉक, और जो करेंसी है थाई बाट है। उसके बाद जो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है वो थाई बोली जाती है। ठीक, नेक्स्ट कंट्री जो है वियतनाम है। वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई है, हनोई, और उसकी जो करेंसी है वियतनामीज डोंग, और लैंग्वेज जो वहां पे बोली जाती है वो है वियतनामीज। तो ये सारी बात हो गई कि जो 10 मेंबर कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में जो आते हैं, कौन कौन से हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलय, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। उनके कैपिटल क्या क्या है, करेंसी क्या क्या है, लैंग्वेज क्या क्या है, इन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये करंट में बहुत ज्यादा चल रहा है। इंडो पैसिफिक बातें चल रही हैं कि इंडो पैसिफिक जो वार्ता चल रही है, उसके बाद एशियान की वार्ता चल रही है, और जो आपके जो कई सारे इम्पैक्ट हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उनके बारे में बातें चल रही हैं। तो ये कंट्रीज कौन कौन से हैं, क्या क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ये करंट में चल रहा है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप में देख लेते हैं कि जो ये कंट्रीज हैं, कई सारे लोग इनमें
कंफ्यूज रहते हैं कि ये कंट्रीज हैं, सपोज हमने ब्रूनोई की बात कर ली तो ब्रूनोई एक छोटा सा कंट्री है, कहाँ पे है लोग इसमें, आपको अगर मैप में पता होगा तो बहुत जल्दी आप उसकी फिजिकल लोकेशन, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा ब्रूनोई है, ठीक है। ब्रूनोई कहाँ पे है? ब्रूनोई यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मलेशिया है आपका पूरा, ठीक है। मलेशिया में एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पे, ठीक, ये है ब्रूनोई। और उसके बाद हम कंबोडिया देखते हैं, ठीक है, कंबोडिया आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। उसके साथ साथ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये सारा जो रीजन है ये सारा इंडोनेशिया का है, ठीक, ये सारा इंडोनेशिया का यहाँ तक, ठीक है, ये सारा जो रीजन है वो इंडोनेशिया का है। और जो इसकी कैपिटल है जकार्ता कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद लाओस, लाओस कहाँ पे है आपका, जो म्यांमार बॉर्डर है हमारा, जो म्यांमार बॉर्डर है वहां पे लाओस है, ठीक। उसके बाद मलेशिया, मलेशिया कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मलेशिया ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि अंडमानशी और गल्फ ऑफ थाईलैंड से मिला हुआ है, ठीक। उसके बाद आपका जो म्यांमार है, म्यांमार कहाँ पे है, इंडियन बॉर्डर के साथ टच करता है, ठीक। उसके साथ फिर बात फिलीपींस की हम बात करते हैं, तो फिलीपींस कहाँ पे है, फिलीपींस आपका जो है वो ये सारा रीजन है, छोटे छोटे आइसलैंड है, ये सब फिलीपींस है, ठीक। सिंगापुर जो मलेशिया है उसके नीचे टिप पे, मलेशिया की नीचे टिप पे छोटा सा एक कंट्री है सिंगापुर। थाईलैंड, थाईलैंड कहाँ पे है, थाईलैंड आपको देखने को मिलता है ये म्यांमार से लगा हुआ, लाओस, कंबोडिया, ठीक है। उसके बाद वियतनाम, वियतनाम कहाँ पे है, वियतनाम का जो एरिया है वो सारा एरिया ये वियतनाम का है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल जाता है कि बहुत छोटे छोटे आइसलैंडों का समूह है, ठीक है। तो ब्रूनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज की आपने फिजिकल लोकेशन देख ली। अब एक मैप में अगर हम इनको देखें तो कहां से आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा इंडिया है, ठीक। इंडिया से अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या पहुंचेंगे, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट के बाद जो आपको सबसे पहले मिलता है क्या, म्यांमार मिलेगा। म्यांमार के साथ आपको क्या मिलेगा, लाओस मिलेगा। उसी के साथ आपको क्या मिलेगा, वियतनाम मिलेगा। और उसी के साथ आपको क्या मिलेगा, थाईलैंड, ठीक। थाईलैंड के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद आपका ये, आपका ये इस रीजन में चले आएंगे तो मलेशिया, मलेशिया के सबसे नीचे सिंगापुर, और ये सारा रीजन आपका क्या हो गया, इंडोनेशिया, ठीक, और ब्रूनोई, फिलीपींस, ठीक है। तो ये कंट्रीज हो गए कितने, म्यांमार 1, लाओस 2, थाईलैंड 3, वियतनाम 4, कंबोडिया 5, ठीक है, मलेशिया 6, सिंगापुर 7, इंडोनेशिया 8 और ब्रूनोई 9 और फिलीपींस 10। तो ये 10 एशियन कंट्रीज हो गए और ये बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इनके बारे में ज्यादा लोग अवेयर नहीं रहते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे फिजिकल मैप में देख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप अवेयर रहिएगा। इस करंट अफेयर में इतना ही, थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए